बर्ड का ये स्क्रैच का गेम बनाते हैं इफ देन कंडीशनल यूज करते हुए इस गेम में जो ये केव्स के स्प्राइट्स हैं ये हॉरिजॉन्टली स्क्रोल कर रहे हैं तो सबसे पहले हम इसका लॉजिक समझते हैं कि हमें अगर एक हॉरिजॉन्टली स्क्रोलिंग स्प्राइट्स या बैकग्राउंड का गेम बनाना है तो वो कैसे बनता है स्क्रैच का जो स्टेज है हमने एक पहले वीडियो में देखा था उसकी डायमेंशंस ये होती हैं एक्स एक्सेस जो है वो माइनस टू फोर्टी से प्लस टू फोर्टी तक जाती है और वाई एक्सेस माइनस वन एटी से प्लस वन एटी तक जाती है यानी कि स्टेज की जो हमारी लेंथ है वो है फोर हंड्रेड एंड एट्टी पिक्सल्स इस फ्लैपी बर्ड के गेम में जो हमने स्प्राइट्स बनाई हैं केव्स की जिसके थ्रू हमारी बर्ड फ्लाई करेगी हमारे को वो बनाते हुए ये ध्यान रखना है कि उन स्प्राइट्स की विर्थ जो है वो पूरा स्टेज कवर करे एग्जैक्टली exactly वो 480 हंड्रेड पिक्सल्स की हो जब हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तब वो स्टेज जो है वो पूरा कवर होगा अगर ये हमारा स्टेज है तो जो स्क्रोलिंग हमारी स्प्राइट्स हैं हॉरिजॉन्टली जो स्क्रोल करेंगी उसका लॉजिक समझने के लिए अगर हमने तीन केव्स की स्प्राइट्स बनाई हैं तो उनकी हम पोजिशन ऐसे कर रहे हैं कि जो पहली स्प्राइट है वो फोर एक्स इक्वल्स फ़ोर जो है पोजिशन पर है जो दूसरी है वो टू टाइम्स फ़ोर है और जो तीसरी स्प्राइट है उसकी इनिशियल पोजिशन जो है वो थ्री टाइम्स 480 एट्टी है x की पोजिशन वाई की पोजिशन मैटर नहीं करती है क्योंकि हम इन स्प्राइट्स को केवल हॉरिजॉन्टली स्क्रोल करा रहे हैं तो वाई जो है वो ज़ीरो रहेगा अगर हम एक वर्टिकली स्क्रोलिंग गेम बना रहे होते तब उसमें हम एक्स को ज़ीरो रखते और जो वाई की पोजिशन है वो फर्स्ट स्प्राइट की 360 हंड्रेड पिक्सल्स होती और दूसरी की टू टाइम्स 360 एंड थ्री टाइम्स 360 तो जब हमने अपने स्प्राइट्स को इस तरीके से पोजीशन किया इनिशली और उसके बाद अगर हम एक सिंपल सा कंडीशन डालें कि जो एक्स पोजिशन है वो फॉर एवर टेन से मान लिया जाए चेंज कर रही है तो हमारे को इस किस्म का हॉरिजोंटली स्क्रोलिंग बैकग्राउंड मिल जाएगा तो इस लॉजिक को समझते हुए हम अब फ्लैपी बर्ज का ये गेम बनाते हैं हम सबसे पहले एक स्प्राइट जो है वो पेंट करते हैं ये स्प्राइट हमारा बैकग्राउंड जो केव है वो बनेगा इसको बनाने के लिए सिलेक्ट करके एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि एग्जैक्टली फोर हंड्रेड एंड एट्टी पिक्सल्स का होगा ताकि वो स्टेज को फुली कवर कर ले दूसरी ध्यान देने वाली बात है कि उसमें एक ये ब्लैक बॉर्डर होना ज़रूरी है क्योंकि बाद में हम जो प्रोग्राम लॉजिक लिखेंगे वो होगा कि हमारी बर्ड का स्प्राइट जब ये ब्लैक कलर टच करेगा तो कोलिजन उससे डिटेक्ट होगा उसके बाद मैं ये रीशेप का टूल जो है इसको सिलेक्ट करके अपने रेक्टेंगल की शेप बदल सकता हूँ केव बनाने के लिए गेम कितना आप आसान या मुश्किल बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप जो ये केव है उसको ज़्यादा नैरो या ब्रॉडर कर सकते हो तो ये हमारा पहला जो स्प्राइट है जो हमारा बैकग्राउंड बनेगा स्क्रॉल करता हुआ ये पहला हमारा केव है और इसी तरीके से हम फिर दो और स्प्राइट्स ऐड कर सकते हैं तीसरे स्प्राइट में हम एक फिनिश की कंडीशन के लिए एक नया रेक्टेंगल बनाते हैं इसमें आउटलाइन नहीं होनी चाहिए बिकॉज हम कोलिजन नहीं चाहते यहाँ पर तो अब हमारी जो तीन स्प्राइट्स हैं जो कि हॉरिजॉन्टली स्क्रॉलिंग बैकग्राउंड बनाएंगी वो तैयार हो गई हैं तो अब हम बर्ड की स्प्राइट ऐड करते हैं प्रेफरेबली बर्ड अगर राइट right फेसिंग हो और एनिमेटेड हो तो वो ज़्यादा अच्छी लगेगी तो हम पैरट को सिलेक्ट करते हैं और हम पैरट का साइज़ जो है वो छोटा कर सकते हैं और पैरट का साइज कितना हो वो भी डिटरमिन करेगा कि गेम कितना चैलेंजिंग है फिर हम स्क्रोलिंग बैकग्राउंड तैयार करते हैं तो हम फर्स्ट स्प्राइट को सिलेक्ट करके हम फर्स्ट जो कमांड दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि गो टू एक्स और जैसा हमने समझा था एक्स की वैल्यू होनी चाहिए 480 और सेकेंड वाले स्प्राइट की होनी चाहिए टू टाइम्स 480 एंड तीसरे वाले स्प्राइट की होनी चाहिए थ्री टाइम्स 480 तो हम यहाँ ऑपरेटर में जाके कह रहे हैं कि गो टू एक्स वन टाइम 480 इसको हम फिर चेंज करना चाहते हैं किसी एक वेरिएबल से तो हम वेरिएबल में जाकर एक नया वेरिएबल बनाते हैं हम कुछ भी नाम दे सकते हैं मैं कह रहा हूँ स्क्रोल एक्स तो हम चाहते क्या हैं कि जब प्रोग्राम शुरू हो तब हम स्क्रोल एक्स वेरिएबल को ज़ीरो पे सेट कर दें और उसके बाद हम फॉरएवर स्क्रोल एक्स की वैल्यू जो है वो चेंज करते रहें और जिस भी रेट से हम उसको चेंज करेंगे उस हिसाब से ये गेम उतना फास्ट या स्लो चलेगा तो हम स्प्राइट में क्या कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू जो है जो कर जो पोजिशन है एक्स की उसको कॉन्स्टेंटली चेंज करते रहो सब्ट्रैक्ट करते रहो विद द चेंजिंग वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कॉल्ड स्क्रोल एक्स और इसको हम एक फॉर एवर लूप में डाल रहे हैं तो हम प्रोग्राम समझते हैं कि हमने अपनी पैरेट की स्प्राइट में कहा कि जब ग्रीन फ्लैग प्रेस हो तब सेट स्क्रोल एक्स नाम के वेरिएबल की वैल्यू को ज़ीरो कर दो और उसके बाद फॉर इस वेरिएबल की वैल्यू टेन से चेंज करते रहो और हमने स्प्राइट में जाके लिखा फर्स्ट स्प्राइट में कि स्टार्टिंग पोजिशन इज एक्स इक्वल्स वन टाइम्स फोर एट्टी और उसके बाद कॉन्स्टेंटली जो भी स्क्रोल एक्स की वैल्यू है जो टेन से बदल रही है अभी इस एग्जाम्पल में उससे बदलते रहो वाई की वैल्यू जो है वो हमेशा ज़ीरो रहे क्योंकि हमें केवल हॉरिजॉन्टल स्क्रोल चाहिए वाई की पोजिशन में कोई चेंज नहीं चाहिए तो हम इसको टेस्ट करके देखते हैं तो हमारे को हमारा जो पहला स्प्राइट है वो ठीक से हॉरिजॉन्टली स्क्रोल कर रहा है हम स्प्राइट टू में अब हम ये जो कोड है ये सेम कोड हम स्प्राइट टू और स्प्राइट थ्री में भी डाल रहे हैं पर स्प्राइट टू में हम क्या चाहते हैं कि इसकी वैल्यू हो बिगिनिंग पोजीशन हो एक्स की टू टाइम्स फ़ोर एट्टी और तीसरे स्प्राइट में ये हो थ्री टाइम्स फोर एट्टी अगर हम चौथा स्प्राइट ऐड करेंगे बैकग्राउंड का तो अब उसकी वैल्यू हो जाएगी फोर टाइम्स फोर एट्टी इसको टेस्ट करते हैं तो अब हमारे को ये स्क्रोलिंग जो हमारा बैकग्राउंड है वो तैयार हो गया है इसके बाद हम पैरेट की प्रोग्रामिंग करते हैं तो पैरेट की प्रोग्रामिंग में लॉजिक क्या है कि हम कह रहे हैं कि ये जो पैरेट है ये डिफॉल्ट से कॉन्स्टेंटली किसी रेट पे नीचे गिरता रहे और जब हम कोई की दबाएं मान लिया स्पेस बार या एरो तब ये ऊपर जाए तो ये जब ये ऊपर ऊपर नीचे जा रहा है पैरेट तो बेसिकली जो वाई एक्सेस की वैल्यू है वाई की वैल्यू बदल रही है तो हम एक इफ देन एल्स स्टेटमेंट लाते हैं और इसको फॉर लूप में डालते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि ये वैल्यू कॉन्स्टेंटली चेक हो सेंसिंग में जाकर हम एक स्पेस uh, प्रेस्ट का सेंसिंग ब्लॉक लिया हम कह क्या रहे हैं कि अगर स्पेस की प्रेस हो तब जो है वो वाई की वैल्यू को किसी जो भी हम वैल्यू डालेंगे उससे बदल बदलते रहना और अदरवाइज वाई की वैल्यू जो है वो कॉन्स्टेंटली माइनस फाइव या जो भी आप वैल्यू डालना चाहो उससे चेंज करते रहना यानी कि बाय डिफॉल्ट ये जो पैरेट है ये जो भी हम वैल्यू यहाँ डालेंगे उस वैल्यू से नीचे आता रहेगा पर अगर की प्रेस स्पेस की प्रेस होगी तब इसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिवली चेंज होती रहेगी जो भी हम वैल्यू यहाँ डालेंगे इसको हम टेस्ट करके देखते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट नीचे जा रहा है और जब हम स्पेस की दबा रहे हैं तब ये बर्ड जो है ये ऊपर की तरफ जा रही है तो ये हमारी कंडीशन ठीक चल रही है इसको थोड़ा हम एनिमेट कर सकते हैं तो हम लुक्स में जाके कह रहे हैं कि स्विच कॉस्ट्यूम तो पैरेट बी कॉस्ट्यूम है नीचे तो हम कह रहे हैं कि जब वो नीचे गिर पैरेट नीचे की तरफ आ रहा है तब हम ये स्विच कॉस्ट्यूम टू पैरेट बी कह रहे हैं और अदरवाइज़ हम कह रहे हैं कि स्विच कॉस्ट्यूम टू पैरेट ए जो कि विंग्स अप की पोजीशन है तो हम इसको अब टेस्ट करके देख सकते हैं कि ये हमारे को अच्छी फ्लैपिंग की एनिमेशन मिल गई है कि जब हम स्पेस की दबाएंगे तब वो फ्लैप होके ऊपर है अदरवाइज नीचे की तरफ है इसके बाद हम एक कंडीशन डालते हैं कि विनिंग कंडीशन कि जब ये जो पैरेट का स्प्राइट है ये फिनिश लाइन का ग्रीन टच करे तब जो है हमारा गेम खत्म हो जाए या फिर नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं इसके लिए हम फिर कंट्रोल ब्लॉक में जाकर एक और इफ़ देन कंडीशन ला रहे हैं इसको भी हम चाहते हैं कि ये फॉर एवर चेक हो और फिर हम सेंसिंग में जाकर कह रहे हैं कि जब ये जो स्प्राइट है ये टच करे स्वॉच को सेलेक्ट करके ये पर्टिकुलर ग्रीन कलर तब क्या हो कि हम कुछ मैसेज विनिंग मैसेज दे सकते हैं जैसे यू वन ग्रेट जॉब और अभी हम सिंपल रखने के लिए कह देते हैं कि कंट्रोल में जाकर कि जब ये विनिंग कंडीशन मीट हो जाए तो स्टॉप ऑल हम यहाँ पे म्यूज़िक डाल सकते हैं नेक्स्ट लेवल डाल सकते हैं तो हम टेस्ट करके देखते हैं ये हमारी जो विनिंग कंडीशन है वो भी ठीक काम कर रही है इसके बाद हम इसमें एक कंडीशन डालते हैं कोलिजन डिटेक्शन की जिसमें बेसिकली जब ये स्प्राइट ये ब्लैक कलर टच करेगा तब जो है वो कोलिजन उसको माना जाएगा और उसको हम कह सकते हैं गेम ओवर इसके लिए हम एक और इफ़ की कंडीशन लाते हैं फॉरवर लूप में ही डाल रहे हैं और फिर सेंसिंग में जाके हम कह रहे हैं कि वेन टचिंग कलर हम कलर सेलेक्ट कर सकते हैं दिस ब्लैक तो ये जो है ये कोलिजन की कंडीशन है हम यहाँ पर भी कोई मैसेज दे सकते हैं लाइक यू लूज़ और उसके बाद हम फिर से कह देते हैं कि स्टॉप ऑल हम फिर से अपना गेम टेस्ट करते हैं तो जैसे ही वो ब्लैक से टच हुआ तो हमारा गेम जो है वो ख़त्म हो जाता है और हमारी जो मैसेज है यू लूज़ वो भी डिस्प्ले हो जाती है अगर ये गेम बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है तब हम जाके इसको ट्वीट कर सकते हैं तो अगर हम हमें लग रहा है कि ये जो बैकग्राउंड स्क्रोल हो रहा है ये बहुत फास्ट है तो ये हम इस पैरामीटर चेंज एक्स वाले पैरामीटर से बदल सकते हैं तो हम इसको फाइव कह सकते हैं और साथ ही हम इसको अगर राइट right क्लिक करके यहाँ पे एक कमेंट ऐड कर सकते हैं ताकि हमें पता हो कि हमने जो प्रोग्राम लिखा है उसमें कौन सी चीज़ क्या कंट्रोल कर रही है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस वेरिएबल कंट्रोल्स द स्पीड ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रोल तो अगर हमने इसको कम कर दिया हम अब टेस्ट करके देख सकते हैं कि अब ये जो है ज़्यादा स्लोली चल रहा है पर अभी भी ये गेम काफ़ी डिफ़िकल्ट है तो हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि ये जो हमारा पैरेट है हम इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं ताकि जब वो फ्लैप करे तब भी हमारे पास इनफ स्पेस हो फिर टेस्ट करते हैं और अगर अब हमें लग रहा है कि जो स्पीड है ऊपर नीचे जाने की वो बहुत ज़्यादा तेज़ है तो हम उनको चेंज कर सकते हैं जो कि हमारे को इस इफ़ एल्स कंडीशन में मिलती है तो हम यहाँ पर भी एक कमेंट ऐड कर देते हैं दिस कंट्रोल्स द स्पीड ऑफ द पैरट गोइंग अप और ये जो हमारा है वहाँ पर हम कमेंट ऐड कर देते हैं दिस कंट्रोल्स द स्पीड ऑफ द पैरट गोइंग डाउन तो हम इसको थोड़ा कम कर देते हैं मे बी एट और मे बी सेवन और इसको भी हम चेंज कर सकते हैं थ्री और फिर हम गेम टेस्ट करते हैं तो इन वैल्यूज़ को ट्वीक करते हुए आप गेम कितना सिंपल या डिफ़िकल्ट हो इस बात को कंट्रोल कर सकते हो और अगर गेम बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप स्प्राइट में जाके कॉस्ट्यूम में जाके स्प्राइट की जो शेप है उसको बदल सकते हो इसका जो गैप है उसको ज़्यादा ब्रॉडर कर दोगे तो गेम जो है वो ज़्यादा आसान हो जाएगा इन सब ट्वीक्स को करते हुए आप अपना गेम जितना भी इजी या डिफिकल्ट बनाना चाहते हो वो बना सकते हो